ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली 16 दिसंबर 2000। साक्षात ब्रह्मा बाप समान, कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान, कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा, निराकार परमात्मा शिव बाबा, अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। निराकार परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को, आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं और हमें ज्ञान शक्तियां देकर, श्रीमत देकर, नए संस्कारों से नए संसार बनाने की विधि सिखाते हैं। और जो बच्चे परमात्मा की श्रीमत, शिक्षाएं और शक्तियों द्वारा अपने संस्कारों को देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी स्थिति तक लेकर जाते हैं, अर्थात स्थिति को ऊंचा श्रेष्ठ बनाते हैं, उनको ब्राह्मण बच्चे कहा जाता है। तो परमात्मा आज अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। आत्मा अभिमानी स्थिति भाग्य का सितारा है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबर वार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। भगवान को पहचाना और भगवान के बन गए, ये श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि, मुनि, तपस्वी, नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। अंडरलाइन करें, पहचाना बने अर्थात जान लिया, पा लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं, बाप भी साधारण तन में आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानते हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं, कोई अरब खरबपति बैठे हैं? साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति को बुद्धि को नहीं पलट सकता है? बुद्धिवानों की बुद्धि है परमात्मा, तो क्या वो किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलट सकता है? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में पूरी पूरी बूंद बूंद तालाब होना है। परमात्म कार्य, सृष्टि परिवर्तन का कार्य, बहुत सेवा होती है उसमें। इतने सेंटर बने सारे विश्व में, आज 135 देशों से ज्यादा में सेंटर हैं। हर सेंटर पर समर्पित सरेंडर भाई बहने हैं। इतना बेहद का मधुबन है, उधर भी इतने सारे कैंपस हैं, इतना बड़ा संगठन है और इतनी सेवाएं हैं, इतने प्रोग्राम्स होते हैं, और उसमें भी किसी से कुछ लिया नहीं जाता। ये तो परमात्मा की अपने बच्चों को गिफ्ट है, वर्षा है। लेकिन फिर इतना बड़ा कार्य कैसे चलेगा? तो सब बच्चे
जो भगवान को पहचान कर, मानकर, पा लिया, इस भाग्य में जीते हैं, उनकी स्वतः इच्छा होती है कि हम इस कार्य में अपने तन मन धन को लगाएं, ताकि विश्व की हर आत्मा को परमात्मा का परिचय और वर्षा मिल जाए। लेकिन बाबा कहता है, बुद्धिवानों की बुद्धि है भगवान, वो तो किसी अरब खरब पति की बुद्धि को टच कर दे तो कुछ आत्माएं ही ये सारा कार्य कर लेंगी। लेकिन ड्रामा का, अंडरलाइन, ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब होना है, बहुत सारी आत्माओं का बूंद 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 करके तालाब होना है। मतलब ये कार्य अनेक आत्माओं की एक उंगली के सहयोग से ये पर्वत उठेगा। तो एक एक उंगली का सहयोग, पूरी पूरी बूंद तालाब होना है, अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। अंडरलाइन, आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो, बने हो या अभी बनना है, सोच रहे हो, सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही, ये सोचना भी समय गवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गवाना है। तन मन धन सफल कर रहे हो, तन मन धन को समर्पित किया है कि तन तेरे कार्य में लगे, मन तेरी शिक्षाओं पर चले और धन तेरे कार्य में सफल हो। ये तन मन धन सफल करते हैं तो हर चीज में, हर संकल्प में सिर्फ परमात्मा की याद और परमात्मा की श्रीमत चलती है और परमात्मा की सेवा में समर्पण होते हैं तो भाग्य कैसा बनेगा। तो बाबा ने कहा, तन मन धन सफल करते हैं तभी सफलता के सितारे बन गए हैं, सोचो नहीं, करकेंगे, देखेंगे, करना तो है ही, ये सोचना भी समय गवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गवाना है, भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गवाना है, सोचो नहीं। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है, बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं, विचारवान है, समझदार है। तो बाबा ने कहा, बच्चों का संकल्प विचार पहुंचता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। अभी ध्यान से सुनना है, कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं, बताएं, सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। विनाश अर्थात सृष्टि का विनाश नहीं होना है, लेकिन ये सृष्टि का महान परिवर्तन होना है। लेकिन उस महान परिवर्तन में ये कलयुगी दुनिया का विनाश होना है और उसके साथ साथ सत्युगी दुनिया की स्थापना होनी है। तो सृष्टि परिवर्तन होना है, लेकिन उस सृष्टि परिवर्तन में कलयुग का विनाश होना है। जैसे नया मकान बनाते हैं तो उसके लिए पुराना मकान खत्म होता है, इसका मतलब नहीं मकान ही नहीं है, इसका मतलब सिर्फ पुराना मकान खत्म किया, तोड़ दिया और उसकी जगह नया मकान बना लिया। तो कभी कभी सोचते हैं कि क्या ये कलयुग का विनाश होना है या होना नहीं है।
99 का चक्कर भी पूरा हो गया, हाँ कि 99 ईयर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है, अब कब तक? हाँ तो बच्चों का क्या कमजोर संकल्प चलता है, ये कलयुग कब तक चलना है, बाप दादा सोचते हैं। हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। संगम योग, ये डायमंड युग कौन क्यों है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का साथ पूरे कल्प में एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता युग में उसको याद नहीं करते, द्वापर युग से याद करते हैं, बहुत ढूंढते हैं, बहुत 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 मेहनत करते हैं, जप तप तपस्या त्याग व्रत बहुत करते हैं, लेकिन भगवान का वायदा है, मैं कल्प कल्प इस सृष्टि पर एक ही समय अवतरित होता हूँ, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तो वो होती है कलयुग के अंतिम समय में। तो बाबा ने कहा, हंसी की बात ये है कि अगर हम विनाश का सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, तो विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे। सत्युग में तो बाबा नहीं होगा हमारे साथ, तो बाबा हमारे साथ कब तक है, जब तक ये कलयुग टिका हुआ है तब तक बाबा है, कलयुग खत्म तो बाबा वापस परम धाम। तो संगम से थक गए हैं क्या, संगम युग से थक गए हैं क्या, हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो, होना तो है लेकिन इंतजार क्यों करते हो, हीरे तुल्य डायमंड संगम युग को कहते हो और फिर भी गोल्डन एज सत्युग को याद करते हो। आपने कहा सत्युग आना तो है ही लेकिन इंतजार क्यों करते हो, होना तो है लेकिन इंतजार क्यों करते हो। कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करे लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं। कहते हैं कि हम सपोज धन सफल करें, आज हम धन लगाएं और एक दो दिन में विनाश हो जाए तो हमारा तो यूज ही नहीं हुआ ना, हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करें, सोच करके करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, ये भगवान हमारी सोच हमें बता रहे हैं। तो हम क्या सोचते हैं, तो करें, सोच कर करते हैं, हिसाब से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करें, ये संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन अब हिसाब सुनना है, लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया, धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया अर्थात सफल किया सेवा में, और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया, इसको ध्यान से सुनते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया, धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं, अर्थात कितना भी हमारे पास धन हो लेकिन जो भगवान से प्राप्ति हो रही है उसके सामने ये धन क्या है, धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया सफल किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया, सोचो। सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ, हम ऐसे सोचते हैं ना, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ। बाबा पूछता है, आपने किसके प्रति सफल किया, बाप दादा के प्रति सफल किया ना,
तो बाप दादा तो अविनाशी है, वो तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटे पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। 1 घंटा पहले सिर्फ सफल किया और विनाश हो गया, तो बाबा ने कहा आपने तो बाबा के आगे उसको समर्पण किया है, सफल किया है, तो बाबा के आगे किया तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि का विनाश होगा, इसलिए आपका दिल से किया हुआ, अंडरलाइन, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। भगवान के साथ हिसाब किताब कैसे होता है? जो किया वो नहीं, किस इंटेंशन से किया, कोई भी कर्म, सेवा, कुछ भी, क्या किया वो नहीं, किस इंटेंशन से किया वो। तो बाबा ने कहा आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। इसलिए ये नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा, डबल अंडरलाइन। कभी भी इन बातों को अपना आधार बनाकर अलबेले नहीं होना, अचानक होना है, कोई भी चीज में किसी को समर्पण होना है, सरेंडर होना है। समय आधार नहीं हो सकता है कि अभी कितना समय बचा है, हम सरेंडर हो या नौकरी करें, समय के आधार से नहीं, भगवान के प्यार से धन को समर्पण करना है। कितना समय बचा है, समय नहीं, कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है, अंडरलाइन, इतना अचानक होगा कि हमें नहीं पता चलेगा, घंटे के बाद भी हो सकता है, होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है, संभव है, मतलब कभी भी हो सकता है, संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है। शिवरात्रि तक करना है ये सोचो नहीं, मतलब समय पर नहीं टालो, समय पर टालना नहीं चाहिए सफल करना, समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो, रचता रचना के अधीन नहीं होता है, अंडरलाइन, रचता रचना के अधीन नहीं होता है, समय पर डिपेंडेंट होकर नहीं करना है सेवा, समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है, आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है, हमें समय अनुसार नहीं चलना, समय हमारे अनुसार चलेगा, आप समय का इंतजार नहीं करो, अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे कहते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही, मतलब बाबा ने 6 मास का होमवर्क दिया है, इसका मतलब 6 मास तो सृष्टि का विनाश नहीं होना है, होगा ही ना,
होगा ही, लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो, मेरा आधार एक सेकंड में जीवन मुक्ति, मेरा आधार एक सेकंड में जीवन मुक्ति, अंडरलाइन, निराधार, किसी पर डिपेंडेंट नहीं, एक सेकंड में संकल्प करना है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, चैलेंज करते हो, एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो, समय का इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है, कौन सा खेल पर हंसी आती है बताएं? क्या आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं? अब तक कई बच्चों को खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गवाते हैं, अंडरलाइन, होमवर्क, छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गवाते हैं, ये साइड सीन है। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है, अंडरलाइन। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के संस्कार आएंगे, उसमें हमें अटकना नहीं है, उससे उलझना भी नहीं है, उससे परेशान भी नहीं होना है, वो साइड सीन है, अपनी मंजिल की तरफ चलते जाना है। मंजिल क्या है? बाप समान स्थिति, एक संकल्प में जीवन मुक्ति, भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये है रुकना, इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं, अंडरलाइन। किस चीजों में रुकते हैं? भिन्न भिन्न संस्कारों की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। जैसे हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, हमें पता है हमें कहाँ पहुंचना है, मंजिल क्लियर है, समय क्लियर है, सीधा 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 अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए वहां जाना है, बीच में अगर रुक जाते हैं कोई साइड सीन में, तो मंजिल पर समय पर पहुंचेंगे नहीं, और कभी कभी तो इतना प्रभावित हो जाएंगे, साइड सीन का इतना असर हो जाएगा कि मंजिल की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो बाबा ने आज होमवर्क दिया है, भिन्न भिन्न संस्कार की बातों व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है, अंडरलाइन। इसमें रुकना, रुकने का मीनिंग क्या है? अर्थात सोचना, मतलब उस बात के बारे में सोचते जाना, ये भी तो स्थिति को रोक दिया, और ही नीचे आ जाती है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये है रुकना, अंडरलाइन। सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये है रुकना, इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। मेहनत है, चाहना है, शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, कौन सी?
बाप समान बनना ही है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। पिछली बार की मुरली में भी बाबा ने कहा, संकल्प है, संकल्प है बाप समान बनना है, उमंग है, लक्ष्य भी है, लेकिन चौथा पिलर कौन सा कमजोर था? दृढ़ता, दृढ़ता। तो बाबा ने कहा रुकावट आ जाती है, दो कान हैं, दो आंखें हैं, मुख है, तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। अंडरलाइन, बहुत डबल अंडरलाइन है आज ये होमवर्क। बाबा ने कहा हम इस साकारी दुनिया में रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं, मुख है, तो देखने में आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है, लेकिन बाबा का क्या स्लोगन है सदा याद रखना है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुक तो हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वही अब निकल रही हैं, निकलनी है। अंडरलाइन, जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुक तो करने हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सब की निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी भगवानो वाच्य है, इसलिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। जो नहीं थी वो भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। ये सब परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? इतने साल से पढ़ाई की, पेपर नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा पास हो रहे हैं कि नहीं? पेपर नहीं आएगा तो पढ़ाई के लिए और मेहनत कैसे करेंगे? तो इसीलिए बाबा ने कहा ये सारी बातें निकल रही हैं, निकलनी ही हैं। जैसे टीचर कह रहा है एग्जाम तो आना ही है, आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास के पेपर में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, खेल देखो। अंडरलाइन, खेल देखो, घबराओ नहीं, क्या हो रहा है। कई बार बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं, कई बार अपने ही जीवन में वो बातें आ जाती हैं। आज भगवान का स्लोगन याद रखना है, घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं कहना, क्या करना है, सिर्फ खेल देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। बाबा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो।
इसीलिए पढ़ाई और योग पे और ज्यादा अटेंशन, बार बार ड्रिल करनी है। पिछले कुछ मूर्तियां पहले बाबा ने हमें बार बार रिवाइज किया, 5 सेकंड की ड्रिल करो, 5 सेकंड में 5 स्वरूप रिवाइज करो। तो वो क्या हो रहा है, हम बार बार बाप दादा के पास रह रहे हैं, हर घंटे हम परम धाम जा रहे हैं, हर घंटे हम सत्योगी नई दुनिया को याद कर रहे हैं, तो हम अपनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति पर जा रहे हैं। तो इसको अंडरलाइन करें, पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ, पास रहो, इसको फिट करना है, पास रहो, उस सीन को पास करो और उस परीक्षा में पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार है, मधुबन वाले आगे आ जाते हैं, भले आओ। हॉल में आगे आकर बैठते हैं। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेने है ना, अच्छा है, बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातरी होनी चाहिए ना, लेकिन पास शब्द याद रखना, पास रहना, पास करना, पास होना, लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, मतलब नई नई परिस्थितियां आती हैं, कोई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं, या है मूंझना या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। याद रखना है, ड्रामा में ये सीन बाबने का आनी ही है, और ये हमारी सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति की परीक्षा है। तो मनोरंजन करो, मूंझना नहीं है, तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। अंडरलाइन, मैग्नीफाइंग ग्लास किधर है? इधर। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि ये रस्सी को सांप बनाने वाले हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी ये खेल खत्म। रस्सी है सिर्फ, लेकिन रस्सी को सांप समझकर डर जाते हैं। इतनी बड़ी बात आई है, बाबा ने कहा रस्सी है सिर्फ, सांप नहीं है। तो छोटी बात को बड़ा नहीं करना। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना बाप दादा, अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। मुश्किल नहीं, सभी को ये संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना? फॉरेनर्स बनना ही है, टीचर्स बनना ही है। इतनी टीचर्स आई हैं, वाह, कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन बैज मिला है, बाबा उसको गोल्डन मेडल कहते हैं। टीचर्स को आज गोल्डन मेडल बैज मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप के हम जीन्स तो रहने नहीं चाहिए, पांडव ब्रह्मा बाप के हम जीन्स हैं। उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है, किसी ने बताया। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है,
वो सभी भी समझे, हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियां, परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती है। किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियां, परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती है। तो जिसको भी, जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठ सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वो आपकी ताली देख रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अंडरलाइन, अभी समय तो अचानक होना है, 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। भगवान, अंडरलाइन 3 बार बोलकर फिक्स कर रहे हैं यहाँ हमारी बुद्धि के अंदर। इसीलिए हमें समय का चिंतन और समय का कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ सुना रहे हैं, अभी समय तो अचानक होना है, 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? आत्मा को अगर पहले पता चल जाए तो आत्मा तो बहुत कुछ पुरुषार्थ और सफल कर लेगी उससे पहले, लेकिन नंबर समय के आधार पर नहीं बनने हैं। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसा हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले, ये इन्हों का संकल्प है। आप सभी भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? तो दादियां क्या कह रही हैं? बाबा साक्षात्कार की चाबी खोलो, सबको साक्षात्कार हो जाए और सब बाबा को पहचान ले। तो बाबा कहते हैं, बाबा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है, बाप दादा हाँ जी करते हैं। तो सबने ताली बजा दी। देखो बाबा बच्चों की हर बात पर हाँ जी करते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं, अच्छा आप कहते हो तो बाबा चाबी खोले, ठीक है, बाप दादा हाँ जी करते हैं। तो सबने ताली बजाई। तो बाबा ने कहा, पहले पूरा सुनो, बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? साक्षात्कार तो बाबा ने कराना है सबको। बाबा कहते, लेकिन बाबा किसके द्वारा साक्षात्कार कराएगा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। तो बाबा ने साक्षात्कार किसके द्वारा कराना है? बाप को बच्चों द्वारा करना है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। अंडरलाइन, अंत में शक्तियों पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो।
अशरीरी, बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज्यादा देखा गया है, वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजोरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स के कभी कभी अनुभवों की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वो ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं, खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं, अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव हैं, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने आप को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार या शिव कुमार, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी, क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है, किस रूप में है बोलो। तो सबने आंसर दिया, फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार, ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है। तो कई बार हम कहते हैं बाबा निराकारी स्थिति, बिंदी बनना बहुत मुश्किल है, कर्म कर रहे हैं ना सारा दिन इस शरीर से, तो हमें मुश्किल लगता है। तो बाबा ने कहा चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुना, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, तो सामने भाई बैठे होंगे, बहनें बैठी होंगी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा करते होंगे मधुबन में, तो निरंतर बहुत बहुत घंटे सेवा करनी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है, सुना है ना। तो बाबा ने देखा कि साइंस वालों ने लाइट के आधार से रोबोट बनाया है, सुना है ना। चलो, देखा नहीं, सुना तो है ना, माताओं ने सुना है, आपको चित्र दिखा देंगे। हाँ, रोबोट कैसे होता है, दिखने में शरीर बिल्कुल मनुष्य जैसा होता है, साइंस की शक्ति से हाँ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो रोबोट सारा काम करता है, दिखते में तो बिल्कुल शरीर मनुष्य जैसा होता है। तो बाबा ने कहा आपको चित्र दिखा देंगे, वो लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वो सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से करता है।
और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? रोबोट साइंस की लाइट से सब काम करता है, तो बाबा ने कहा साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, आप साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक, भी बाबा होमवर्क दे रहे, आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। वो बाह्य शरीर है रोबोट, ये क्या बनानी है, स्थिति। आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी, अर्थात बिल्कुल लाइट की स्थिति, लाइट शरीर में भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ऐसे ऑटोमेटिकली हो रहा है। कैसे हो रहा है? लाइट, साइलेंस की लाइट की शक्ति से, बाबा की याद की शक्ति से, फरिश्ता स्थिति में अटक नहीं रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं है, निराधार फरिश्ता। तो इस रोबोट का नाम क्या है, क्या कहेंगे? रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। पहले आप तैयार हो जाना, इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना, करेंगे, कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ बाप दादा, ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अंडरलाइन, रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रू रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वो करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेकर फिर कामकाज में आओ, ये हो सकता है। अंडरलाइन, क्या बाबा देखना चाहते हैं? रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रू रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वो करो, लेकिन बाप दादा से रोज, इसको अंडरलाइन कर ले, रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आना है। कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेकर फिर कामकाज में आना है, ये हो सकता है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। तो लक्ष्य क्या है? संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ। कोई कमजोर है, सहयोग दो। क्या सहयोग देंगे? अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं, स्थिति। और सबसे बड़ा सहयोग क्या होता है? किसी की कमजोरी का वर्णन नहीं करना, वातावरण नहीं बनाना। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर, सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। कमजोरी और व्यर्थ का वायुमंडल नहीं फैलाना है। हे
हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। वायुमंडल, महेश बाबा ने कहा ना, अचानक अचानक बातें आ रही हैं, और भी बातें आएंगी, उसमें उलझना नहीं, साइड सीन में अटकना नहीं, पास रहना, साइड सीन को पास होना और पास करना है। तो इससे क्या होगा, वायुमंडल। तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल बनाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, दुनिया में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ना, जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल, ऐसा वायुमंडल चाहिए जिससे किसी को भी एक घड़ी के लिए शांति सुख की अनुभूति हो। एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा के पोल्यूशन से भी ज्यादा है। मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा के पोल्यूशन से भी ज्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सर्कमस्टेंस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है, और वो स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह होता है, वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा, और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। हर स्टेप पर हर एक आत्मा के साथ इस वरदान की जरूरत है। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सबका सहयोग मिलेगा, सबका स्नेह मिलेगा, अगर हम शुभ चिंतक स्थिति में हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है, और वो स्नेही सहयोगी बना देता है। जिसका सदा चिंतन शुभ होगा, तो उससे सबको वाइब्रेशन कैसी मिल रही है, इसीलिए उसको हर एक के दिल से स्नेह और सहयोग मिलेगा। जहां स्नेह होता है, वहां समय, संपत्ति, सहयोग
सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के संयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। खुद सदा शुभ चिंतन में रहो और दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनो, सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। आज का स्लोगन, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दें। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।